रांची में न्यूजीलैंड ने की जीत के साथ शुरुआत, तो वहीं लखनऊ में भारत ने किया पलटवार। ऐसे में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक और टी20 सीरीज जीतने की दहलीज पर खड़ी है भारतीय क्रिकेट टीम। लेकिन अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए यंगिस्तान को दिखाना होगा दम। कप्तान हार्दिक पांड्या को पसंद नापसंद की कश्मकश से निकलकर करने होंगे बड़े बदलाव। लगातार मौके जाया करने वाले नामों को दिखाना होगा टीम से बाहर का रास्ता और कुछ नए चेहरों के साथ तीसरी टी20 सीरीज में जीतने की करनी होगी प्लानिंग। तो आखिर इस सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में किन बदलावों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। दोस्तों, जहां एक तरफ न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में वनडे सीरीज क्लीन स्वीप किया था, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक कैप्स ने टी20 सीरीज में अब तक भारत को कड़ी टक्कर दी है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में एक युवा टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड ने अब तक मुश्किल सवाल पेश किया है। रांची के मुकाबले में भी न्यूजीलैंड भारत पर हावी रहा, तो वहीं लखनऊ में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले के दौरान भी केवल 99 रन बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के पसीने छुड़ा दिए थे। दूसरे टी20 मुकाबले में केवल 100 रन बनाने में भी भारतीय बल्लेबाजों को लोहे के चने चबाने पड़ गए थे। मिचेल सैंटनर की अगुवाई में न्यूजीलैंड से मुकाबला करने के लिए भारतीय टीम खेल के तीनों डिपार्टमेंट में अपने स्तर को उठाने की जरूरत होगी। अगर बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसके लिए टीम इंडिया को तीसरे मुकाबले में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल टी20 सीरीज के दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। न गिल के बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को मिली है और न ही ईशान किशन अपने आक्रामक तेवर दिखाने में कामयाब हुए हैं। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी भी अब तक बल्ले से इम्प्रेस करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना एक बड़ा चिंता का सबब बन गया है। हालांकि अभी तक गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी निभाया है, खासकर कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल की स्पिन गेंदबाजी कीवी बल्लेबाजों के लिए एक मुश्किल चुनौती पेश करती हुई नजर आई है। हालांकि दूसरे मुकाबले में भारतीय कप्तान ने पिच के हालातों को ध्यान में रखते हुए तेज गेंदबाज उमरान मलिक को प्लेइंग 11 से बाहर करके यूजी चहल को शामिल किया था और अंत में वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शायद टीम मैनेजमेंट रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को वापस से प्लेइंग 11 में शामिल करने पर विचार कर सकती है। बेशक कुलचा की जोड़ी तीसरे मुकाबले में भी नजर आएगी, लेकिन शिवम मावी की जगह पर उमरान मलिक को खिलाना भारत के लिए एक फायदेमंद कड़ी साबित हो सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से बार बार भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, उससे ध्यान में रखते हुए अब हार्दिक को अपने गिल प्रेम से बाहर निकलकर युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शाह को खिलाने पर विचार करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि गिल ने मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट में अपने बल्ले से तबाही मचाई है, लेकिन अब तक खेले गए 5 T20 मुकाबलों में शुभमन गिल ने सभी को निराश किया है। T20 का फॉर्मेट भी शायद उनकी बल्लेबाजी को ज्यादा रास नहीं आ रही है। ऐसे में डोमेस्टिक क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इंडियन टीम में आए पृथ्वी शाह को प्लेइंग 11 में खुद को साबित करने का एक मौका जरूर देना चाहिए। ऐसे में अगर तीसरे T20 मैच के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें, तो ईशान किशन और पृथ्वी शाह की ओपनिंग जोड़ी के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। दोनों का अंदाज एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है और पहले 6 ओवर में ये जोड़ी काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी के लिए भी ये एक आखिरी मौका साबित हो सकता है, जबकि चौथे पोजीशन पर टीम के उपकप्तान सूर्य कुमार यादव भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी होंगे। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी से गेंद और बल्ले से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके अलावा दीपक हुड्डा लोअर ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभाएंगे और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी विभाग की बात करें तो लेफ्ट आर्म स्पिन तेज गेंदबाज और शदीप सिंह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे और उनके साथ उमरान की जोड़ी अपनी रफ्तार से सामने वाली टीम को गिरफ्तार करते हुए नजर आ सकती है, जबकि कुलचा यानी कुलदीप और चहल की जोड़ी फिरकी के जादू से न्यूजीलैंड बल्लेबाजों पर कहर बरपा सकती है। गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 फरवरी को अहमदाबाद के आइकॉनिक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, जहां जीत
हासिल करने पर भारत T20 सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब होगा। यहां एक गलती से टीम इंडिया के हाथ से सीरीज जीतने का मौका फिसल सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, तीसरे वनडे में किन बदलावों के साथ भारत को उतरना चाहिए और क्या हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया न्यूजीलैंड को T20 सीरीज हराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।